नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट मैच में 157 रनों से पराजित कर दिया, हरा दिया और अब जो सीरीज़ है वो 2-1 से भारत इस वक्त आगे चल रहा है और पांचवा मैच जो होगा वो निर्णायक मैच होगा। क्या सीरीज़ ड्रॉ होती है या भारत जीतता है, इसको लेकर देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत की जीत पर बड़े बड़े खिलाड़ियों ने और दिग्गज खिलाड़ियों ने विराट कोहली की तारीफ़ की है। सबसे पहले हम आपको बताएं तो आरसीबी की टीम से खेलने वाले एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली की तारीफ़ की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए भारत को बधाई दी, साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि भारतीय टीम को बधाई हो और एक अच्छा गेम आप लोगों ने खेला और इंग्लैंड को हरा दिया। साथ ही साथ दूसरे ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा, वो टेस्ट के जो लोग विराट कोहली की कप्तानी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे उनको जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि हम लोग जो टीम के चयन को लेकर बाकी नॉनसेंस चीज़ों को लेकर बातें करते हैं उस चीज़ों को भूल जाना चाहिए, हमें खिलाड़ियों की स्किल को, उनके टैलेंट को, साथ ही साथ में देश भावना को आगे लेकर आना चाहिए और इन्हीं वजह से जो टीम चयन पर अब सवाल खड़े करते हैं, इन वजह से हम एक अच्छे टेस्ट क्रिकेट को भूलते हुए जा रहे हैं। ऐसे में देश भावना को पहले लाइए और खिलाड़ियों के टैलेंट को, उनकी उनके जो स्किल्स हैं उनकी तारीफ़ कीजिए। साथ ही साथ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं नासिर हुसैन, उन्होंने भी विराट कोहली की तारीफ़ की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि जो पांचवा दिन था वो भारत के लिए निर्णायक दिन था, साथ ही साथ भारत को 10 विकेट चटकाने थे मैच जीतने के लिए और जो परीक्षा थी विराट कोहली की थी और उस परीक्षा में, उस एग्ज़ाम में विराट कोहली पूरे नंबर के साथ पास हुए। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों ने अच्छी मदद की, स्पिन रविंद्र जडेजा ने अच्छी की, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब नई गेंद के साथ भारत उतरा था लंच के बाद तो अच्छी लय देखने को मिली गेंदबाजों की और इसी का फ़ायदा विराट कोहली को देखने को मिला, विराट कोहली कप्तानी को देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बुमराह अच्छी यॉर्कर के साथ में बाउंसर दे रहे थे, वो फ़ायदा हुआ टीम इंडिया को। उन्होंने कहा कि विराट कोहली जो तमाम सवालिया निशान थे कि रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में शामिल क्यों किया गया, लोग कह रहे थे कि हम अश्विन को मिस करेंगे, लेकिन विराट कोहली ने कहा कि हम किसी को मिस नहीं करेंगे और हम जीतने के लिए मैच खेलेंगे और पाँचवें दिन 10 विकेट चटकाएंगे। और यही नासिर हुसैन ने कहा कि इसी परीक्षा में विराट कोहली की टीम और विराट कोहली की कप्तानी पूरे नंबरों से पास हुई है और जो बधाई हो टीम इंडिया को, उन्होंने 2-1 से सीरीज़ को जीत लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि भारतीय टीम आगे आने वाले पांचवें मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये कुछ कहना है। साथ ही साथ एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली के बारे में ये भी कहा है कि वो आरसीबी के साथ आरसीबी कैंप में जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं उत्सुक हूँ आईपीएल फेज 2 खेलने के लिए, जो यूएई में अभी हमारे जो आईपीएल खेले जाएंगे, मैचेस खेले जाएंगे, उसको लेकर मैं तैयार हूँ, साथ ही साथ टीम के साथ जुड़ चुका हूँ। और उन्होंने कहा कि हम अपने कप्तान का इंतजार कर रहे हैं जो यूके से जल्द ही सीरीज जीत कर वापस लौटेंगे। आपकी क्या राय इसको लेकर, क्या हो सकता है पांचवें मैच का नतीजा, क्या सीरीज का नतीजा हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।